हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर के दिन जो अपना मुहिम था उसका बहुत अच्छा खासा हमको देखने को मिला। बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो हम लोगों का प्रयास था बहुत ही अच्छा सफल रहा। ठीक है, जहाँ तक अपनी बात पहुँचाना था वो हम लोगों ने तो 5 अक्टूबर के दिन ही पहुँचा दिया। और रिजल्ट को लेकर देखिए अभी जो अपडेट है, जैसा ब्रिजेश पाठक सर जी ने बोला था कि उनके जो हम लोग गए थे वहाँ पर उन्होंने बोला गया था, हमें ये बताया था कि आप कॉल करके कन्फर्म कर लेना। तो सैटरडे और संडे को बात नहीं हो पाई, वैसे भी से जो भी है ऑफिस के जो उनके सहायक के रूप में जो फोन पिकअप करते हैं उन्होंने बोला कि आपको लेटर को उसी दिन फॉरवर्ड कर दिया गया था। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट है आप मंडे के दिन छुट्टी के अलावा के दिन आप कॉल करें तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी एक आपसे अनुरोध है, आप लोगों से सभी से अनुरोध है जो अभी अपना प्रयास चल रहा है रिजल्ट को लेने के लिए। देखिए मैटर चीजें जो है कुछ अलग वे में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ये सभी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, सबकी बस की बात नहीं है एम्स क्वालिफाई करना, या सबके बस की बात नहीं है एम्स में। देखिए जो भी है अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एनएम है एनएम के तो वैसे भी वैकेंसी आपको नहीं दिखती है एम्स वगैरह में, तो हम लोगों का यही एक एनएचएम ही रास्ता है। और लोग तो ओवरएज हो गए जिसके कारण और भर्तियां नहीं देख पाते हैं, यूपी की ही भर्तियां देख पाते हैं जिसमें 40 साल मांगता है। ठीक है, तो सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और इसी समस्या के कारण हर एक चीज आप एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। बस यही एफर्ट लगा सकते हैं कि हम एनएचएम में जो अप्लाई किए हैं उसका एग्जाम दिए उसका रिजल्ट तो आ जाए। वैसे भी हम तैयारी करें या ना करें वैकेंसी के, लेकिन कम से कम जो चीजें हमने जिस पर मेहनत करके दिया पेपर उसका हमारा हक होता है कि हम परिणाम देखें। भाई सिलेक्शन हुए या ना हो अलग की बात है, लेकिन परिणाम तो आना चाहिए, परिणाम तो हमें दिखना चाहिए, हमको हमारा परिणाम तो दिखाना चाहिए कि भैया आपने पेपर दिया था इतना नंबर आपको मिला है। ये चीज जिससे हम आगे की मोटिवेट हों या डीमोटिवेट हों वो अलग की बात है कि आगे की तैयारी करें या ना करें वो अपने ऊपर, लेकिन रिजल्ट तो सरकार को देनी चाहिए टाइम से। ये थोड़ी ना होता आप एग्जाम कंडक्ट करा लें 9 महीने बाद या 1 साल बाद, जब आपका मर्जी करेगा तब आप रिजल्ट दें या ना दें फिर भी उसके बाद आप वैकेंसी ही कंसीडर कर दें, क्या भरोसा आपकी। इसलिए हम सभी को अब प्रयास कंटिन्यू रखना है और आप सभी से देखिए बराबर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट ना होने के ही कारण इतना डिले हो रहा है। 5 अक्टूबर के दिन आप पहुंच जाते 500,000 संख्या में भीड़ पहुंच जाती तो तुरंत सब काम हो जाता, लेकिन पहुंचते कितने लोग हैं 40 लोग 50 लोग पहुंचते हैं। ट्विटर कैंपेन एक ऐसा साधन है, इसके पहले ना जाने कितनी चीजें स्टूडेंट के हित में किया गया ट्विटर कैंपेन के ही माध्यम से। मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आज SSC को पटरी पे लाया गया, SSC अपने सुचारू रूप से काम कर रही है और ट्विटर कैंपेन के बदौलत ही। टीचर लोग जब बोले थे आवाज उठाए थे और स्टूडेंट का सपोर्ट मिला था तब जाके, वो सभी मैं आपकी वीडियो में दिखाऊंगा। तो लेकिन 9 अक्टूबर को भूल ना जाना, ट्विटर कैंपेन में सब लोग को साथ एकजुट होकर यूनाइट होकर ट्वीट करना है। क्या ट्वीट करना है, देखिए 30 सेकंड का वीडियो आपको अपलोड करना है, कैसे करना है वो चीज मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक सैंपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, 30 सेकंड का वीडियो आपको अपलोड करना है जो मैं अभी शूट किया हूँ, सुना रहा हूँ। आप भी ऐसे शूट करके ट्विटर पे अपलोड करें, इससे इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है। और जो हम लोग ट्वीट करेंगे मंडे के दिन आप कोशिश करिए जितना हो सके उतना ट्वीट करें, इसको भी न्यूज पेपर में ऐड किया जाएगा, इसको भी कवर किया जाएगा और जितना हो सकेगा उतना हम लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो सर, मेरा नाम शिवपाल है, मैं यूपी एनएचएम 17,000+ वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया था जिसका एग्जाम भी हो चुका है और रिजल्ट ना आने के कारण, एग्जाम कंडक्ट हुए 10 महीने हो गए, रिजल्ट ना आने के कारण हम बहुत परेशान, मानसिक रूप से परेशान हैं। आपसे रिक्वेस्ट है स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक सर और CM सर योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज्यादा ही अनुरोध कर रहे हैं कि सर आप जल्द से जल्द UPHM 17,000+ वैकेंसी का रिजल्ट जारी करें सर, धन्यवाद। तो देख लीजिए आपको इसी तरीके से एक वीडियो शूट करना है और ट्विटर पे टैग के साथ अपलोड कर देना है। ठीक है, कैसे ट्वीट करना है वो चीज़ मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लीजिए। भैया सीख लीजिए यार, काम की चीज़ है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना सीख जाते हैं लेकिन आपके फायदे की चीज़ ट्विटर चलाना, ये चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से आप। देखिए ट्विटर आप लोग गूगल से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ट्विटर पे जब आप जाएंगे तो आप अपने होम पेज पे ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, होम पेज पे जाते ही आपको नीचे एक ये वाला चिन्ह दिखाई देगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, ये प्लस जो लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज इस तरीके से आएगा। तो अगला पेज आपको इस तरीके से दिखेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या है, हैशटैग जो अपना टैग चलने वाला है, हैशटैग CMGUPNHM 17,000+ रिजल्ट 2। उसके बाद टैग किसको करना है, ब्रिजेश पाठक जी को करना है @। देखिए टैग कैसे किया जाता है, @ जो आपके मोबाइल में रहता है @, इसको लिखना है। उसके बाद स्पेस नहीं देना है कहीं पे भी, ठीक है, ब्रिजेश पाठक लिखना है BRAJ। जैसे ही 2-3 अच्छा लिखेंगे वैसे ही नाम आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फिर उसे क्लिक करेंगे उनका हो जाएगा, फिर यूपी गवर्नमेंट को जैसे ही लिखा है आप इसी को कॉपी कलम में लिख लीजिए, रख लीजिए, इसी चीज को आपको लिखना है, UPNHM, फिर PMO इंडिया, फिर अखिलेश यादव, फिर राहुल गांधी और भी जो पत्रकार हैं उनको भी टैग करना है। ठीक है, इन सभी को लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाके फोटो वगैरह या वीडियो जो शूट किए होंगे उस वीडियो को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, आपको टैग ध्यान में रखना है। ठीक है, टैग में कोई गड़बड़ी मत करना, हैशटैग लिखना है, आपके मोबाइल में हैशटैग जो रहता है उसको लिखना है, CMG सभी छोटे अक्षर में है, CMG उसके बाद अंडर डैश जो दिखाई देता है अंडर डैश,
बड़ा वाला, फिर यूपी एनएचएम, सभी लेटर आपको यहाँ पे देख रहे हैं छोटे अक्षर में, छोटे अक्षर में ही लिखना है उसका 17,000, ठीक है। 17,000 आपका जैसे लिखा जाता है वैसे ही 17,000 है, इस चीज़ को लिखने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। तो गाइज आपको 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से एक्टिव हो जाना है, ट्वीट करना है। ऑलरेडी कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बना दिए हैं, और जो नहीं बनाए हैं आने वाले दिनों में, मतलब कल तक, आज तक वीडियो अपलोड ही कर देंगे। तो हम सब का यही एक प्रयास रहेगा कि दबाव हम लोग जितना बना सकते हैं उतना बना सकते हैं, अनुरोध जितना करना हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश पूरी यही है कि अपनी आवाज़ को हम ऊपर तक पहुँचाएँ जितना हो सके उतना। मेरा पूरा सपोर्ट शुरू से ही रहा है, बस आप लोगों का ही सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। भैया वीडियो देखते हैं, वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब, मैं बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी क्या ही वो चीजें, मेरी बात की बात है, ठीक है। आपकी इच्छा हो आप करें या ना करें, वो कोई जो जबरदस्ती वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि आप यूनाइट हों और इससे जुड़े रहें, ताकि आगामी जो भी चीजें हों एक आपकी आवाज को एक सिस्टम तक पहुंचाने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास बना रहे, ठीक है। देखिए मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें खान सर और भी ऐसे टीचर थे जिन्होंने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आज एसएससी को पटरी पिलाया। आप एसएससी का आप देखिए एक साल से कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। टाइम पे वैकेंसी, टाइम पे रिजल्ट, टाइम पे एग्जाम, टाइम पे सब कुछ है, क्लियर हो रहा है, इन्हीं सर की देन है। और ये क्या बोले थे आप सुन लीजिए, कुछ नहीं, केवल डिजिटल आंदोलन से ही इन्होंने किया था, न तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हुआ था, केवल ट्विटर के ही माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी थी। आप सुन देखा ये वीडियो, लगभग 15 मिनट का वीडियो था, बहुत अच्छा, तो बीच बीच में मैंने आपको दिखाया है वीडियो, तो असर पड़ता है, ट्विटर कैंपेन से ही असर पड़ने वाला है जो पड़ेगा, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रोटेस्ट से उतना ही, फिर तो पहुंचेंगे ही नहीं कैंडिडेट, उनको डर है भैया जेल में बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें, अपने हक के आवाज़ के लिए नहीं आप बोल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। थोड़ी एक बार और प्रयास किया जा रहा है डिजिटली रूप से, ठीक है। आप लोग बस रिक्वेस्ट करना है सर, कि सर हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दें, कोई गलत वर्ड का यूज़ नहीं करना है, रिक्वेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग एक्टिव जरूर हो जाइएगा, ठीक है। 10 बजे ध्यान देना, 9 अक्टूबर को।